आपके जीवन में भी अच्छे बुरे अनुभव हैं और मेरे जीवन में भी अच्छे बुरे अनुभव हैं। लोगों ने सम्मान दिया, प्रेम दिया, घृणा दी, मित्रता दी, स्नेह दिया, शत्रुता भी दी, देश भी दिया, फिर भी निमित्त चेतना केंद्र अपना कार्य करता हुआ आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा और जरूर आने वाले युग के लिए यह भी एक आध्यात्मिक केंद्र होगा जहां हम देवताओं से बात कर सके। सिद्धासन एक उच्च कोटि का सिद्धों का स्थान कहा जाता है कि आज भी चाहे देव गंधर्व अप्सरा किन्नर कोई भी हो, अगर आपके जीवन में उन्नति चाहते हैं तो वो अगर वो सिद्धासन में जाकर दादारू स्वामी सिद्धिदानंद सद्गुरुदेव जी की और सिद्धासन की योगियों की वहां साथा रख होते हैं तो इंद्र से महेंद्र बने, देव से महादेव बने, विष्णु से महाविष्णु बने, ब्रह्म से परब्रह्म बने, ऐसा सिद्धासन यहां नक्षत्र सिद्धांत, ब्रह्मांड सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, चंद्र सिद्धांत पर आज भी खोज चल रही है। एक प्रकार का आविष्कार कर रहा है कि वहां क्या करें, वहां क्या होता है, हम कैसे जाएं। आज हम पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव ही ऋषि हुए और ऋषि भी ब्रह्मांड की खोज करने के लिए निकले। उन ऋषियों की परंपरा ने अगर सिद्धासन से कोई प्रमाण मिल जाता है, प्रमाण कहते हैं कि यह सचमुच सिद्ध योगी है तो ब्रह्मांड में विचरण करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे आपके पास लाइसेंस हो तो आप अच्छी तरह ड्राइव कर सकते हैं, उसी प्रकार ये लाइसेंस लेने की क्रिया या सिद्धासन में पहुंचने की क्रिया के लिए परम गुरु सद्गुरुदेव जी ने कहा है कि दशमान विद्याओं से जिन विद्याएं की महाविद्याएं सिद्ध की सिद्धासन में प्रवेश पा सकता है। शर्त यह है कि उनको ले जाने वाला सिद्धासन में रहने वाला योगी ही हो। सिद्धासन के योगी का सिद्धासन में पहुंचे हुए योगी का अगर नाम बताते हैं और आप फिर महाविद्यालय से करते हैं तो आपको सिद्धासन में पहुंच मिलती है, सिद्धासन में प्रवेश पा सकते हैं। लेकिन सिद्धासन में ऐसी क्या चीज है जो हम सिद्धासन पहुंचना शुरू करते हैं? प्रभु सद्गुरुदेव जी ने यह क्यों जोर दिया है कि मैं सिद्धासन साधक परिवार की स्थापना की और भी आश्रम है। गुरु जी ये नहीं कह सकते कि स्वर्गाश्रम प्राप्ति की साधना, वैकुंठाश्रम प्राप्ति की साधना या कैलाश पर्वत कैलाश सिद्धांत की साधना, कैलाश आश्रम की साधना, ऐसा न करते हुए गुरु जी ने सिद्धांत साधक परिवार या सिद्धांत पहुंचने की क्रिया ही किया। क्यों कहा? अगर हम इस पर विचार करें तो हर कोई योगी इस संसार में जितने भी योगी हुए वे अपने जीवन को कभी वैकुंठ या कैलाश जाने या ब्रह्मलोक जाने के लिए तत्पर नहीं होते जितना कि सिद्धांत जाने के लिए क्रियागत करते हैं या सिद्धि का कार्यक्रम करते हैं या वहां पहुंचकर अपने आप को सिद्ध आनंदमय मानते हैं, वह सिद्धांत है। मैंने इस बार आपको कहा इंद्र अगर महेंद्र बना तो सिद्धांत में सिद्धि की साधना प्राप्त करें। अगर आप चक्र पुराण पढ़ते हैं या ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि विष्णु भी महाविष्णु बने जब वे सिद्धासन में साधना संपन्न की, देव भी महादेव बने जब वे सिद्धासन में साधना संपन्न की। तो इस क्रिया को करने की जो ध्यान है वो सिद्धासन है और सिद्धासन में इस संसार की सारी विवशता को एक जगह करते हुए केवल पहुंचने मात्र से मनुष्य सारी सिद्धियों का फल बनता है। फिर उनके बाद पृथ्वी पर सिद्धांत छोड़ दो, ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों का निर्माण करने के लिए अधिकारी करने के लिए उसे सिद्धांत जाना पड़ता है और वह अपने जीवन में एक आविष्कार में जीवन बना लेता है और सिद्धों के योग में आनंद प्राप्त करने की जो क्रिया करता है, आनंद प्राप्त करने के जो कार्य करता है वो सिद्धांत नहीं होता है। आज आप एक साल चाहे 2 साल से 14 साल से भी जुड़े हुए हो लेकिन आज भी हम अटके हुए हैं इसमें कि गुरु जी उसने ये कार्य नहीं किया, उसने मुझे गाली दी, मैं खाना खाने गया नहीं आया, मैं यहाँ से रूठा, इस बात में इसी गुंजाय मान में हम आज भी बैठे हुए हैं। उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, वो ऐसा देखा, ये देखा, आज तक हम इसे ऊपर उठे नहीं, पृथ्वी तत्व से ऊपर उठे ही है, केवल हम बैठे हुए हैं। तो उसने ऐसा कहा, उसने खाना नहीं दिया, उसने गाली नहीं दी,
कुछ नहीं सुना नहीं किया, इन बात में हम बुझे हुए। मेरे हाथ में बैठा कुछ में यहाँ बैठा था उसने ले लिया बैठा, हम इसी में सके थे। यही कार्य हुआ, ध्रुव ने जब अपने पिता का आसन उसकी माने नहीं दिया तो ध्रुव ने तपस्या करके लिए ऐसा आसन मांगा कि इसको जिसके ऊपर मुझे कोई हटा न सके, वो ध्रुव था। आज हम ऐसा विचार ही नहीं करते कि हमारे जीवन में कि हमारे कोई ऐसा आसन या ऐसी साधना हमारे जीवन में हो जिससे हम किसी के ऊपर किसी प्रकार का द्वेष भाव करते हैं, हम द्वेष और इस सारे संबंध के ऊपर उठ जाए, ऐसा कोई विचार ही नहीं करते। हम दुखे हुए हैं इसमें, गुरु जी प्रमोशन नहीं आया, मेरा व्यापार नहीं चला, किसी मेरी गाली नहीं, मेरे को बेटा नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे की शादी, किसी में आज मैं आपके साथ रहते रहते 14 साल गुजर गए। कोई ये बात नहीं कहता कि गुरु जी सिद्धार्थन में सिद्धार्थन साधना के लिए गुरु जी ने जो कहा है, गुरु जी जितने भी गुरु जी ने साधना की है, आपने आश्रम स्थापित किया है, हम आश्रम में 5-6 साल से रहे, हमने गुरु जी की लिखी हुई कोई ऐसा साधना कोई ऐसी साधना नहीं छोड़ी, हमने सारी साधनाएं संपन्न की। एक आदमी भी ऐसा कहते हुए नहीं लिखा कि मैंने साधनाएं संपन्न की, मैं साधनाएं करता हूँ, साधना की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि गुरु जी ने कहा आप आश्रम में भी रहकर या आश्रम के बाहर भी रहकर कितनी ही गुरुद्वारा करें कितनी ही महाराज रहें और आपने एक साधना भी मंत्र के हिसाब से सीख रहे थी और केवल इसी में पीछे रहे तो आपको जो मैं मेरे आश्रम स्थापन करने का कोई आश्रम रहा ना आपके रहने का आश्रम कोई नहीं रहा। आज भी आप क्रोध करते हैं, आज भी आपकी एक विशेष भावना है, आज भी आप अरे आप सुनते हैं आश्रम में बैठे हैं तो अरण्य अरुण नाम का एक ऋषि बालक था, तो उनके गुरु ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि देख बेटा आश्रम के लिए मैं खेती कर रहा हूँ, आज खेती को पानी देना है तो आप पानी देते हैं अगर क्योंकि दूसरा जो ऋषि बैठा हुआ है वो अपने आश्रम को पानी नहीं आने देता, इसके उसने समय क्या है कि 8 घंटे तो पानी लो और 8 घंटे में उस समय उस जमाने में भी ऋषियों में कार्य करता था, वो भी पानी खाते थे पानी के कार्य करते थे। तो जब ऋषि आश्रम में गया तो अरण्य नाम का बालक था, उसने कहा गुरु ने आज्ञा दी कि खेत को पूर्ण तरीके से पानी पहुंचना चाहिए। ऋषि ने सभी लोगों ने देखा अपने खेत को पानी दिया, लेकिन जब जा रहे थे तो उन्होंने जो पानी का बांध हुआ था वो टूट गया तो दूसरे ऋषि के पास नहीं पानी नहीं जा रहा था, तो दूसरे ऋषि ने आकर इस ऋषि से कहा कि तुम्हारे पास बांध टूटा हुआ है, मुझे पानी नहीं आ रहा है, जिससे मेरे शिष्य मर जाएंगे, इसका क्या कारण हुआ। तो उन्होंने उस गुरु ने कहा अपने शिष्य को कि क्या वो पानी क्यों नहीं जा रहा है, देख क्या। तो पानी देखने के लिए गया तो देखता क्या है कि बहुत अंधेरा छा रहा है, पानी तो दूर से बह रहा है और वहाँ देखिए मट्टी लाने के लिए भी जगह है, मिट्टी डाल रहा है तो मिट्टी फल जा रही है और उस जमाने में उस स्टार में कुछ नहीं दिख रहा है, तब तक बैठ नहीं थे ना दीपक था ना हवा में दीपक रहता है, लेकिन अपने गुरु का वचन था कि तुझे पानी रोकना ही है, उसको पानी नहीं देना है। तो उस ऋषि पारण ने अपने गुरु वचनों के लिए रात भर उस पानी के आराम सो के रहा और पानी को रोक के वो रहा। जब सुबह हुई तो पानी जब सुना तो उन्होंने कहा कि रात से शिष्य गया हुआ है वापस नहीं क्यों नहीं आया, जाके देख कर आ। तो शिष्य सब लोग उसके आए देख के क्या है कि वह उस जहाँ पानी का बांध टूटा हुआ था वो आपके पानी को रोकने के बाद सोया हुआ है और उसका शरीर ठंड के बीच को रख कर गया है। जब यह बात जाकर दूसरे शिष्य से जाकर गई कि वह रात भर इस तरह पड़ा रहा तो उनके गुरु के आंखों से आंसू आ गया, कहा कि हर तू आज मेरा सच्चा शिष्य है और मैं इसे शिष्य प्रदान करता हूँ, आज आप ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिनके आपके कार्य से गुरु के आंखों में आंसू आए, आपके कार्य से गुरु को संतोष करे। आप कभी भी ये कार्य लेके आते हैं कि आप व्यावहारिक जीवन में जुड़े हुए हैं और उस शिष्य का कार्य आप कहीं करते ही नहीं जिससे गुरु प्रसन्न हो या गुरु को आनंददायक जीवन आप प्रदान कर सके। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे गुरु को प्रसन्न करने की क्रिया करें, हमारे गुरु प्रसन्न हो, गुरु के मुख में आनंद देख सकें। अगर आप गुरु के मुख में एक क्षण भी आनंद देख सकते हैं तो गुरु आपके जीवन में जीवन भर आनंद प्रदान कर सकता है। आप गुरु को एक घंटा देते हैं तो गुरु प्रसन्न जरूर देगा, लेकिन हम ये क्रिया नहीं करते, हम क्या करने की कोशिश भी नहीं करते, प्रयत्न भी नहीं करते। हमारा जीवन कभी भी उलझा हुआ है तो बस ये ऐसा वो ऐसा कुछ ऐसा है, अरे गुरु की श्रेष्ठता है। ऐसा ही एक बार आपको पता है भगवान कृष्ण को 14,000 गोपियाँ दी थी, 8 भार्याएं दी थी और उसके साथ साथ लाला प्रेम में लाला भी थी, लाला भी कृष्ण की साधना है। तो इस कक्ष में लाला की ही एक
सुंदर गोपी का सहेली थी जिसका नाम था गिरिजा। वो राधा से राधा की बराबरी करती थी सुंदरता में। तो एक बार जब राधा के साथ कृष्ण बैठे थे तो गिरिजा आई, राधा कृष्ण को नमस्कार किया और फिर राधा के साथ बात करती। तो कृष्ण ने राधा को देखा, राधा ने कृष्ण और राधा ने गिरिजा को देखा तो गिरिजा नमस्कार करके ही चले गए और राधा के कान में कुछ कह दिया, कहा ये राधे कृष्ण के साथ में तेरे साथ के तेरे कितने शोभायमान दिख रहे हैं, कितने ठेठ कितने ठेठ है तू। ये कहते हुए आदमी ने मनुष्य में एक जलन की कमी भी रहा करती। उसने गिरिजा ने राधा को एक बात कह दी जाते रहते, राधा इतना सब कुछ था भगवान के लिए, कृष्ण तो बहुत बड़े महान सच्चिदान स्वरूप देवता सब कुछ है, अरे यार फिर तेरी शादी पहले किसी किसी का हो गई बाद में तो इनके साथ क्यों है, कृष्ण को पता नहीं था कि पहले सभी क्यों। अब राधा ने जब राधा के मन में जब बीज बोया गिरिजा ने राधा का मस्तिष्क समझा कि जाते जाते मेरे मस्तिष्क मेरे जीवन में ये बात क्यों डाल दी गई। उसने गिरिजा जाते ही राधा ने कृष्ण को पूछा, मैं तुझे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। कृष्ण समझ गए, बोले अभी ये प्रश्न का समय नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। बोले ये बाद आपका कभी जीवन में नहीं आता, मुझे अभी बताना है कि क्या हुआ। अभी बताओ कि जब आपको मेरे साथ ही प्रेम करना ही था तो मेरी पहली शादी क्यों करवाई। कृष्ण फिर भी कहा कि अब मैं कह रहा हूँ सर, मैं ये बाद में बताता हूँ। राधा मान लिए। कृष्ण ने कहा कि कथित जन्म में तू मेरे साथ जब थी तो एक ऐसा ही व्यक्ति मेरे साथ झगड़ा हुआ और तेरे साथ उसका श्राप हुआ, श्राप के कारण तुझे पृथ्वी पर आना पड़ा, जबकि तू गोलोक में वास करने वाली महारानी थी, तू कृष्ण की ही प्रिया थी, कृष्ण के साथ ही रहती थी, लेकिन उसके श्राप के कारण तुझे पृथ्वी पर आना पड़ा। अब राधा का नंबर दो का माता संख्या सारा श्राप देने वाला कौन है फिर तुझे बता दो, उसको तो आगे पीछे देख लो कौन है, मेरे को छूट है ऐसा अच्छा सता रहे हैं कि मुझे हाथ पहनाना चाहते हैं आप। तो कृष्ण ने कहा मेरी बहुत इच्छा है कि तुझे आज हाथ पहना दो। नारद को कहे इधर कृष्ण की बात टाल नहीं सकते, आज हाथ पहना दो, मेरे हाथ जरूर है, क्या बात है समझ रहे हैं। ऐसा है नारद, मुझे एक पुत्र के घर जाना है, मैं भक्त के घर जाता हूँ, तब तक राधा ने एक थोड़ा सा प्रश्न किया है, तुझे पता है कि वो उसका संसार विचरण कर सकता है, उस प्रश्न का विचार जवाब दे सकता है, प्रभु प्रभु आप रुक जाओ, मैं जवाब दे बहुत ही कठिन सा जवाब देता है, आप मत जाओ, मैं जवाब देकर तो देता जरूर हूँ लेकिन आप मत जाओ। कृष्ण बोले मैं अगर देता तो मैं ही जवाब दे रहा, मुझे काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, खुद जवाब दे दे। कृष्ण ने हाथ निकाला नारद के घर में डाला, बोला राधा ये मुझे बताएगा कि क्या होगा। कृष्ण जाने लगे, राधा ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा आपको लेना, अरे मैं ठीक ढूंढ के जा रहा था, मैं कभी भी मेरे साथ ही बैठा हूँ। नारद बताएगा कि तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका क्या। राधा कहा नारद जो बात है सच सच बता, इधर उधर उल्टी पुल्टी बात किया तो फिर तेरी खैर नहीं। बोले बोले राधा जी पहले तो ये बताओ माता आपकी प्रश्न क्या। राधा ने कहा कि मैंने कृष्ण से ये प्रश्न पूछा है, अगर मैं राधा की प्रेमिका ही थी, राधा का कृष्ण का जुड़ाव ही था, मेरा उसका विवाह या मेरा उसका संबंध ही था, तो मेरा विवाह पहले उस नंदन नाम के उस गोपी से मेरा विवाह पहले हुआ क्यों, होने के बाद मैं इनके साथ जुड़ी क्यों, पहले विवाह होने से पहले इनके साथ जुड़ी तो क्या होता था। नारद बोला कृष्ण के प्रसाद अब तो मेरी खैर नहीं। बोले माँ आप कोठी पर बैठा हूँ, मैं यहाँ से सुनाता हूँ आपको क्या हुआ। बोले सर सुनाएगा दूर क्यों बैठा है। हे माँ मैं आज मेरी खैर नहीं है, आज मैं ये बात सुना देता हूँ आपको, तो मैं किस लोक में रहूँगा ये मुझे पता नहीं है, आप जिस लोक से यहाँ आए हैं मेरा भी वही विचार में आप क्या कहें। बोले सुना ले नारद क्या बात। तो सुना दादा ने कहा कि माँ तुम गोलोक वासी महारानी भगवान कृष्ण के साथ बैठी हुई थी, तो एक बार की बात है तुम्हारी जो गिरिजा की सहेली है के पहले से भी लक्ष्मी कांत बनकर जगत में कृष्ण के साथ रहा करती थी, के साथ थी और उस समय से आप भी उनके साथ थे, आपको पता है गोलोक में आप रहा करते थे। तो इस गिरिजा ने एक बार कृष्ण से कहा कि क्या मैं राधा से सुंदर नहीं, कि कृष्ण का राधा से सुंदर हो इसमें क्या बड़ी बात है। तो फिर बोले आप मेरे साथ क्यों प्रेम नहीं करते। उसने कहा ऐसी बात नहीं है, राधा का मेरा संबंध बहुत दिनों से बहुत सालों से बहुत वर्षों से है, इसलिए मैं राधा के साथ रहता हूँ। तो बोले गिरिजा ने कहा
कि आपको अगर कभी लगे कि मैं राधा कृष्ण के दर्शन और आपको मेरे प्रति कोई प्रेम हो तो आप जरूर मेरे पास आ जाना। ये बात राधा कुमार ने केवल कृष्ण और विद्या के संवाद हुआ और कृष्ण बैठे बैठे एक दिन विचार करने लगे कि विद्या है कौन, विद्या की जिंदगी की बात फिर चलेंगे। तो विद्या एक श्रेष्ठ देवता की कन्या थी जिसने भगवान विष्णु की आराधना की थी और कहा था कि पति के रूप में मैं आऊंगी। तो कृष्ण ने जब देखा कि वो तब से विराजमान हो करती है कि विद्या वही है जिसने विष्णु भक्ति की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर विद्या के पास जाऊँ तो गलती कोई नहीं, क्योंकि इसने मेरी भक्तियों से मांगा था और एक दिन लाल सखी से गलती से बोले में मानकर ज्योति की भक्ति को देखकर कृष्ण भगवान विद्या के घर चले। विद्या तक थे विद्या के घर चले गए तो राधा की दास गोपी गोपिकाएं 33,000 गोपिकाएं थी। गोपिकाएं कहाँ से बढ़ने वाली, गोपिका ने देखा और राधा को जाकर कहा कि राधे तेरा काम हो गया, मुझे क्या हुआ क्या हुआ क्या तेरा था विद्या के साथ मेरी सहेली के साथ चले गए, दस क्या झूठ बोल दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले राधा अगर तू देखना चाहते हैं तो अब चल जाएंगे अभी भी बुला लेते हैं विद्या के साथ और उनके साथ आकर राधा बोली सारी गोपिकाओं के साथ चलो, अगर आज कृष्ण का है किसी की तो ऐसी दिखी या जो भी हो आज देखे लेके जाना ही जाना। राधा अपनी पूरी गोपिकाओं के चलने के साथ चली गई। तो क्या है गिरिजा अंदर बैठी थी, हमारे कृष्ण तो पहले से ही ज्ञानी अंतर ज्ञानी, बाहर बाहर जो अंतर को जो होता है उसको सब पता चल जाता है, उनको लगा कि राधा आ गई है। तो गिरिजा से कहा कि गिरिजा अब तुम इतनी प्रसन्न है, मैंने तुझे प्रेम दे दिया, हर काम तुझे प्रेम प्रदान करूंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं कि मुझे देवता बुला रहे हैं, एक मिनट में जाता हूँ और फिर शादी कर दो। लेकिन गिरिजा वहाँ बैठी है, गिरिजा को लगा कि बाहर फिर शादी क्यों हो गए। गिरिजा ने देखा तो बाहर कोलाहल मचा हुआ है, राधा पूरे अपने सैनिक के साथ आ रही है, ये तो कोई गड़बड़ का मामला दिखता है। बोला कि राधा को बताने के लिए तो राधा के पास दामा एक श्रेष्ठ पार्थी बार बार मुझे रोकने वाला मेरे और कृष्ण के संबंध मुझे पता है क्या है, बहुत अच्छी तरह पता है, आप माँ है रामलीला महारानी रास रानी है, कृष्ण की चाहती कृष्ण की प्रतिभा है, लेकिन कृष्ण आप अपने अंतर्मन में अंतर्ग्रह में बैठे हुए हैं, मैं उनको पीछे मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, अच्छे प्रतिष्ठा होकर खड़ा। राधा ने कहा मुझे जाना ही जाना है, मुझे आप तुम कृष्ण को जाकर बोल दो। उसने कहा ये बात बताओ कृष्ण अंतर है हमारे का कृष्ण अंदर मैंने देखा है, फिर तो क्या कृष्णांतर है मुझे नहीं बोलता तो अच्छा था, लेकिन उसने कहा कृष्ण अंदर है तो राधा ने अपने गुप्ता होगा ही दामा को उठा के बाहर थे और चल अंदर जाना सब राधा के साथ अंदर हुए। अंदर घूमने के बाद गिरिजा ने प्रार्थना की अगर मैं सहेली को इसी तरह धोखा देती हूँ तो सहेली मुझे कभी भी नहीं देख सकेगी, मेरा मुंह भी नहीं देखेगी, कृष्ण अभी तुझे कुछ करना है, तू तो अदृष्ट हो गया, मेरे को अदृष्ट स्थिति नहीं आती, तू कुछ कर। जब राजा अंदर आई और दामा वहां गिरा था सारे जो गोपिका ने पकड़ के रखा था, दादा पूरा भूख रही है कृष्ण है ना मिल रहा है पानी बह रहा है, राधा ने कहा कि सभी गोपिकाओं को बोला तुमने क्या लिखा, कृष्ण अंदर ही है, बोले हाँ कहाँ है कृष्ण देखो नहीं गिरिजा कहा नहीं है, फिर तुमने उद्धव क्यों कहा, ये दामा ने क्यों कहा कि कृष्ण और दादा अंदर थे, दामा को राधा ने पूछा क्या कृष्ण और गिरिजा अंदर थे, उसने कहा हाँ तू तेरे गुरु की कसम देने के थे, उसने कहा मैं गुरु की कसम लेता हूँ ऐसे, अब उनको लगा कि ये अगर गुरु की कसम लेकर कहता है था तो इसमें कुछ डाल में काला दामा को अगर तुमने कृष्ण को छुपाया है ये बता के तुमको काट मुझे रोका है ना, और कृष्ण और विद्या को तुमने कहीं छुपाया है इसकी बात था बात
बहुत झगड़े कर चली और लखन के साथ दे दिया कि तू उन जैसी राधा सारे देवता जिसकी आराधना करते हैं मैं किसी की प्रेमिका तुझे मुझे कहा है तुम्हें सात दिन में तू असुर बचा तू राक्षस बचा। रामा ने कहा मैं गुरु के ऊपर शपथ लेने के बाद भी अगर तुम मेरी साथ देती है तो तू कितनी गलत है मैं तुझे भी साथ देता हूँ कि तू पृथ्वी लोक को चले होते लोग को चलेगा ना पृथ्वी प्राप्त करके तो मुझे भी साथ देता हूँ। और गोलोक वासी ने राधा मुसलमान रूप में राधा सत्य मानवी सत्य ब्रह्म तब इस असुर को भी शत्रु ने क्या उसके पास उसके साथ जो थे उसने कहा कि राधा तुझे भी जिस प्रेम के कारण तुमने मुझे साथ दिया है उस प्रेम का विरह तू अर्थ करेगी और इस विरह के लिए इस तरफ में जगह तू गोलोक को इस विरह के साथ जाएगी मानवी मंत्र नहीं तरफ के लिए जाएगी। राधा को लगा कि यह ऐसा कार्य क्या होने वाला है तो मानपुर में जब गई इसी असुर शत्रु ने जो बाद में तुलसी के पति या उत्तरा के पति बने राक्षस बने तो उन्होंने एक अंश से राधा के पति की दृष्टि की और कहा कि राधा की कड़ी शादी करो। राधा कृष्ण से भी आयु में 5 साल बड़ी थी और राधा की शादी हो गई और राधा की शादी में वह जब कृष्ण आए और कृष्ण जब अपनी बोली बजाई तो राधा अपने पुत्रों को त्याग करते हुए यमुना के तीर पर आज जहाँ जहाँ कहते हैं कि एक वहाँ एक कवाड़ी के बाबा रहते थे जिनके बारे में बहुत सारा कहा जाता है वहाँ पशुओं की आशा उस समय भी था और राधा यमुना के तीर पर आज दासी पर आने के बाद उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि कृष्ण मेरे प्रेमी हैं कृष्ण भी मेरे पति हैं मैं गोलोक वासी हूँ और कृष्ण की गोली की बजाने की बात हुआई और कहा कि कृष्ण मेरे पति। जब उसने अपने प्रेमी पति को छोड़ने की बात कही तो पति और उनके सभी लोगों ने बहुत जिसको उसको लिखा भी कहना था कहा कि राधा ने तेरा ऐसा करना ठीक नहीं। राधा ने कहा कि मेरे हर जन्म के पति हो ही नहीं मेरे पति तो केवल कृष्ण ही हैं तो मेरे जन्म में पति भी हुए तो मैं तुम्हें पति नहीं मानती यही काम ललिता नाम की गोपिका के लिए हुआ और वह भी मीरा के जन्म में उसने भी वही कार्य किया। मैं ये बात आपको क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि जिसको पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ उसकी जो मैंने 11 पंचमुखी आशा की बात कर रहा हूँ उसमें एक पंचमुखी आशा मथुरा के यमुना के तीर पर है जहाँ कवाड़ी नाम के एक बाबा रहा करते थे उसकी बाबा का आश्रम में आज पंचमुखी आशा स्थापित है और वहाँ कोई भी जाकर बैठा है जो पूर्व जन्म उनको याद आता है या उनके पूर्व जन्म के अनुसार होते हैं और राधा को इसका ज्ञान होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बात की। लेकिन जब राधा गोलोक में आई कृष्ण मेरे पति है या प्रेम है उसको लगा लेकिन जब भी उस आश्रम से उठ जाती थी फिर वो मामूली अपनी स्थिति में जाती थी उसको उसका ध्यान नहीं रहता कि मेरे पति कौन है मेरे ससुर कौन है सास कौन है ये सारी बातें याद नहीं थी वो कृष्ण के पास आती थी अपना प्रेम व्यक्त करती थी कि मैं सिर्फ मेरे साथ कोई हुई हूँ तो बहुत मोहन करता है मेरे ऊपर तेरा वचन करना है ये सारी बातें बोलती थी और अपनी जगह फिर जब भी आश्रम पर जाती थी तो पूर्व जन्म याद आता था रोती थी। इस प्रकार राधा ने अपने जीवन में प्रतिरोध कराकर और सब लोग अपने पति से जाने लगे। तब राधा भी गोलोक जाने के लिए तैयार हुई
वो लोग चले जाते, उसने देखा कि सिद्धार्थ का पीछा नहीं करता है। उसने कहा सिद्धार्थ कितने सभी लोग बच्चे हैं वहाँ, सिद्धार्थ में मुझे जाना नहीं चाहिए। राधा सिद्धार्थ से उतरी, उतरने के बाद सारे मणिमयी सिद्धों के साथ फटी गणपति वहाँ विराजमान। राधा ने अपने जीवन में किसी भी बात कहीं भी याद आई और सिद्धार्थ में बैठकर महान धूमधाम के साथ गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी का पूर्ण पूजन करने के बाद ने गणेश जी उनके पूजा से प्रसन्न हुए। सारे ऋषि मुनि आदि सब ऐसे भी आए थे, प्रथम पूजन गणेश का ही करना चाहिए। आज हम सब लोग इस बात को देखते हैं कि हमारे बहुत सिद्ध हैं। मैं कहता हूँ कि गुरु और देवता में कोई भेद नहीं होता, कोई दूसरे देवताओं में और अपने भेद नहीं होता, लेकिन कभी भी देवता के आरंभ पर पहले देवता की पूजा करने से पहले गणेश जी की आराधना करनी चाहिए एक विधान। लेकिन कृष्ण को सब कुछ समझने वाली उसने गणेश जी की आराधना छोड़कर जब पूजा की थी उसके जीवन में यह विघ्न आई थी। कृष्ण के कहने पर सिद्धार्थ समय पर की बात राधा ने गणेश जी की आराधना संपन्न की और भी पूरी निष्ठा और पूरी भक्ति के साथ। जब सारे लोग राधा की पूजा देखने लगे, मणिमयों के साथ पूरे विस्तृत तत्वों के साथ राधा ने पूजा संपन्न की। राधा ने पूर्ण संपन्न करने के बाद गणेश जी प्रसन्न हुए और गणेश जी प्रसन्न हुए तो राधा ने सारे गोपी गोपिकाओं के साथ जितने भी गोकुल का प्रसाद था, महाप्रसाद, फूल, मणि, रत्न, खचित, वस्त्र आदि सभी वहाँ रखे हुए थे। तो राधा के हाथ से पूजा करने वाले, पूजा करवाने वाले एक श्रेष्ठ ब्राह्मण सिद्धार्थ के थे। उन्होंने राधा के हाथ से गणेश जी की पूजा करवाई। जब पूजा पूर्ण हुई, गणेश जी प्रसन्न हुए तो राधा ने कहा कि प्रभु मेरी गलती जीवन में होगी कि आपके बिना पूजा मैंने विवाह संपन्न किया था कृष्ण के साथ और यह पाप मेरे पे आज भी रहता है। लेकिन जब मैं आज गोलोकपाद में जाऊंगी, मेरे कृष्ण के साथ जाऊंगी तो मेरे जीवन में पहले फिर ऐसा विघ्न कभी नहीं आएगा, इसका आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करो। यही कारण हुआ भगवान कृष्ण किसी भी गोपी गोपिकाओं के साथ इतना रास किए हैं सभी के साथ, लेकिन विवाह संपन्न अगर आप कहते हैं तो कोई शास्त्र हुआ तो कई रुकने के साथ हुआ और रुकने के साथ लड़े बाली सब प्रेम विवाह ही हुआ बिना गणेश की पूजा के। इसकी कितनी भार्याएं हो या गोपिकाएं हो, तत्काल रही तत्काल छुट्टी, उनके नाम आज भी शास्त्र में नहीं है। इस कारण राधा ने गणेश जी का सिद्धार्थ में पूजन किया और गणेश जी प्रसन्न हो गए। तो गणेश जी ने कहा कि राधे तेरी प्रसन्न तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, तूने मत्स्योग में आया लेकिन तो बाद में फिर भी मत्स्योग में ना आए, इसी के लिए एक कारण बताता हूँ। जितने भी जितना भी मुझे प्रसाद रखा हुआ है इस ब्राह्मण ने मेरी पूजा तेरे हाथों करवाई है। ये सारा प्रसाद तू भारत में जम्मूद्वीप में बंधखंड में जितने भी ब्राह्मण हैं उनके उनको ये प्रसाद दे दे। अगर ये प्रसाद ब्राह्मण सारे लोग खाएंगे तो तेरे को मुठियों में पूजा होगी और तेरा विरह या तेरा किसी के पति के साथ प्रेम कभी दूषित नहीं होगा और कोई तेरे को नहीं उठा के नहीं बताएगा। तब राधा ने कहा प्रभु इतने सारे देवता के लिए पर भी आपने ब्राह्मणों की बात क्यों की। तो उन्होंने कहा इस ब्राह्मण ने पूजा करने पर तुमने मुझे संतुष्टि की, आज से द्वापर युग से ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, वस्त्र देना और इस सारे चीजों को पहले ऋषियों को ही केवल दिया जाता था। द्वापर युग में राधा की पूजा के बाद सिद्धार्थ से आरंभ हुआ कि ब्राह्मणों को दक्षिणा और पूजा दें, अगर ब्राह्मण तृप्त होते हैं तो हमारे को ऋषियों को फिर आना ही पड़ता। यह बात द्वापर युग में राधा ने राधा को गणेश जी ने कही और गणेश जी के कहने के बाद राधा ने जो गणेश जी को गाय दान में दी थी वह गाय प्रथम पुत्र सिद्धार्थ में आज कहते हैं कि वह गाय सिद्धार्थ में राधा ने जो गाय उस ब्राह्मण के साथ आज भी है और उसको संजीव उसे कामधेनु कहा गया है। ऐसी राधा की यह स्तुति को उस ब्राह्मण ने देखने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें और पूजा दें और पूजा ब्राह्मण के माता करवाए ये द्वापर युग से आरंभ हुआ ऐसा कर्म पुराण कहता है। राधा ने जब लोग सारे प्रसाद को सारे वितरण को सारी दक्षिणा को ब्राह्मणों के हाथ यहाँ भेज दिया और कहा कि भारत का कोई ब्राह्मण यह प्रसाद बिना खाए नहीं रह जाएंगे, तब उनको उन सारे गोपिकाओं ने जो उनके साथ तीर्थी लाख गोपिकाएं थी वो लोग में रहने वाली सारी गोपिकाओं को भेज कर उनके प्रसाद ब्राह्मणों में बांटा। जब ये लोग खा लगे खा लिए प्रसाद हो गया तो गणेश जी ने कहा कि मैं तृप्त हो गया, आज से जो भी तेरी जैसी पूजा करेगा उसको फिर मृत्युलोक में कोई निंदा या किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा, उपदेश के साथ श्रेष्ठता के साथ रहेगी। यह जो पूजा करेगी जो भी सिद्धार्थ में राधा ने की यह पूजा केवल हम अगर देखते हैं तो सप्त मातृकाओं के साथ पंचमुखी यात्रा पर विशुद्ध ने पहली बार पंचम के आश्रम में उनके गाँव में
में यहाँ आज्ञा पूजा करवाई थी और आज भी उस बंडल के आश्रम में कहते हैं कि रात के 12 बजे घंटियाँ बजती है और सिद्धार्थ की योजना को पूजा करके जाते हैं और वहाँ ऐसी कोई पूजा करता है उसको कभी इंसान प्राप्त नहीं करता। ये बंडल की स्थापना स्वामी सिद्धानंद जी ने की है और बाहर के जितने भी पंचों की आसन है आज उसके ऊपर जंगल आ गया है और वहाँ एक पंचों की आसन जहाँ थे वहाँ कोई लोग नहीं लेते। केवल पंचों की आसन जहाँ हम देख सकते हैं सिद्धानंद जी के शासन के अवकाश में नौ की आसन है और मंडल में पंचों की आसन है, बाकी सारे आसन लुप्त हो गए हैं या फिर कोई गुफाओं में रह गए हैं। तो इस प्रकार पंचों की आसन के जिसका बताता हुआ आपके जीवन में आज प्रथम दिन जिस राधा ने जिस प्रकार विष्णु विनाश की देवी जोगी के साथ गणेश जी की पूजा संपन्न की थी, क्या वो आराधना संपन्न की थी और सिद्धार्थ में प्रवेश पाकर उन्होंने गोलोक का निवास किया था और आनंद हो गया और अपने प्रीति कर कृष्ण को प्राप्त किया और वह कभी उनके साथ विष्णु नहीं यह वर प्राप्त किया था। गणेश जी ने उस विष्णु विनाश व्रत को करवाने के बाद पूजा करवाने के बाद उन्हें जो कार्य संपन्न किया था और अपने जीवन में कभी विरह या अथवा ना करें हम अपने पिता पुत्रों के साथ कभी ना छूटे और हम उनके साथ आनंददायक व्यतीत करें और पत्नी पहले जाए और पति बाद में जाए ऐसी खुशी को करने के लिए सिद्धार्थ में राधा को जिस गणपति स्वरूप का व्रत किया था जिस गणपति का मंत्र किया था जिस सिद्धांत को बताया गया था वह केवल श्रेष्ठता के साथ केवल राधा ने संपन्न करवाने के बाद जो किया फिर मातृमाओं सप्त मातृमाओं ने और सप्त सत्या पंच सत्या ने भी यह पूजा संपन्न की जैसे लोपामुद्रा द्रौपदी इन सभी ने भी यह कार्य संपन्न किया था। जबकि हम देखते हैं द्रौपदी ने उतना कष्ट अनुभव किया लेकिन अपने पति से छुटी नहीं, सीता उतनी दूर रही लेकिन अपने राम के साथ जुड़ी रही, राधा उतनी दूर रही रुक्मी अष्ट भाग्या कृष्ण को अपने पति को दूसरे के साथ देखी लेकिन उनको छोड़ के नहीं रही। ये विलय होने की बात या प्रेम करने की बात जिस विधि के साथ किया गया जो संसार सुखी कहलाया गया जो जन्मों जन्मों के साथ उसका उनके साथ रहने का आरंभ किया या सिद्धार्थ में जिस विष्णु विनाश की देवी विष्णु विनाश उसका गणेश जी ने जो मंत्र द्वारा शास्त्र मंत्र राधा ने संपन्न किया जिससे केवल अपने जीवन में किसी तरह का प्रश्न आए आज मैं उसी साधना से आपके जीवन में आरंभ के गर्भिणी की उत्साह को आपके जीवन में इसे करना चाहता हूँ कि पंचमुखी आसन पर बैठने से पहले आपके पूर्व जन्म का ज्ञान होने से पहले आपके जीवन में आपके कड़वे अनुभवों को न लेते हुए आपके विरह के उन क्षणों को याद न करते हुए आपके जीवन में किसी प्रकार का रोग आया या कुछ भी आया या पंचमुखी आसन पर बैठना चाहते हैं या पंचमुखी आसन पर साधना करना चाहते हैं तो जरूर इस गणपति का जिसने राधा का यह मंत्र किया था इसको करो ताकि आपके जीवन में विघ्न न आए। सभी को इच्छा होती है पंचमुखी आसन पर बैठे, सभी को इच्छा होती है अपना पूर्व जन्म देखे, सभी को इच्छा होती है कि अगला जन्म देखे, सभी को इच्छा होती है जीवन में कष्ट जो आ रहे हैं कष्टों का निवारण मैंने आपको अभी पहले बताया। पंचमुखी आसन का स्थापना हर ऋषि के आश्रम में थी और जो कोई भी राजा अपना सब कुछ खो देता था वो ऋषि आश्रम में जाता था और वो कहता कि मैंने सब कुछ खो दिया है मेरा राज सब कुछ गया है। सब उस ऋषि के पास जाने के बाद वो ऋषि उस पंचमुखी आसन पर बैठ कर उस राजा के उस दुखों का निवारण करता था। वो जानता था कि किसके वजह से किस दोष के कारण तुझे यह कष्ट अनुभव हुआ है। ये हमने सारी पुराण पौराणिक कथाओं में देखा है कि कोई देवता तो हमको मिलते हैं किसी देवता ने क्या दोष किया है बताता नहीं, बताते हैं तो केवल ऋषि परंपरा के गुरु परंपरा के ही लोग कि तुझे इसके तेरे ऊपर देवता की कोप हुआ है, इसके तेरे ऊपर ऋषि का कोप हुआ है या तुझे ये गलती की है ये छोड़ा है ये तो केवल बोलने वाले ऋषि भी होते हैं या फिर गुरु होते हैं। तो इनको जिनको बच्चों की आती की स्थिति है वो भी लोग इस जीवन में इस कार्य को बता सकते हैं। ऐसे ही बच्चों की आती की साधना जब किसी के इतना जीवन लगी है तो आपके जीवन में आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों जब कभी भी आप बच्चों की आती पे विराजमान हो या आपको प्राप्ति ये जानना चाहते हो या आपके जीवन के सुख दुखों को बताना चाहते हो और आपके दुखों का नाश करना चाहते हो और उसके लिए आप आसन में बैठने से पहले आसन को स्पर्श करने से पहले आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न आए अगर आप चाहते हैं तो इस विघ्ननाथ गणपति की पूजा आरंभ करें जरूर करें और इस मंत्र का जाप जरूर करें जिससे आप पंचमुखी आसन पर स्पर्श भी कर सकते हैं और हो सका गुरु की आज्ञा हुई तो पंचमुखी आसन पर बैठ भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके ऊपर क्योंकि मैं तो आपको रक्षा करता ही लेकिन मुझे रुकना भी नहीं है, मेरे रक्षा के बाहर भी अगर आपके दोष और पाप हो तो फिर मुझे वो भोगने पड़ते हैं। इससे पहले मैं आपकी रक्षा करने के लिए
राधा ने जिस सिंहासन में गणेश जी का मंत्र को किया था, जो द्वादशाक्षर मंत्र है, उस राधा के मंत्र को गणेश जी का कल सुबह अगर आप 21 बार मंत्र करते हैं तो कल शाम में जिस पंचम की आसन की स्थापना में करने जा रहा हूँ, और जो पंचम की आसन पर बैठेगा मैं तुम्हें आज भी वचन देता हूँ कि वह सिंहासन जरूर ढूंढ देगा। आपके सामने रखी है, आप अपने के साथ जुड़ते रहो, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी।